1992 6 दिसंबर के दिन बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया गया और ये भगवा आतंकी बाबरी मस्जिद के खामोश गुंबदों पर नंगा नाच कर रहे थे और उनको शाबाशी देते हुए अडवाणी, कटिहार और जोशी की जालिम की तस्वीरें और मेरे भाई बाबरी मस्जिद को शहीद कर वो भगवा आतंकी उस टुकड़ा को उन ईंटों को ऐसे उठा रहे थे जैसे मानो बहुत बड़ा इनाम हासिल कर लिया हो और हुकूमत कांग्रेस खामोश होकर तमाशा देख रही थी। वक्कारी वजीर आजम नरसिम्हा राव खामोश था, कल्याण सिंह तमाशा देख रहा था, लेकिन कोई तुम्हारी आवाज ना बना। लेकिन मेरे भाई वो बाबरी मस्जिद शहीद होने से पहले तुम्हें बता रही थी कि मुसलमानों मेरी शहादत तुम्हारे लिए इत्तेहाद का पैगाम है। वो बाबरी मस्जिद की गुंबद की सिसकियां, वो बाबरी मस्जिद की ईंटों की ताक, वो बाबरी मस्जिद के मुसल्लों की पुकार, वो बाबरी मस्जिद की चौखट की आवाजें तुमसे पुकार पुकार कर कह रही थी, अरे मस्जिद अक्सा के गुनहगारों को तो सलाउद्दीन अय्यूबी ने सजा दे दी थी, लेकिन बताओ बाबरी मस्जिद को शहीद करने वालों को सजा कौन देगा? मेरे भाई वो बाबरी मस्जिद तुमसे सवाल कर रही थी कि मुसलमानों मेरी शहादत को इतने साल हो गए, वो बाबरी मस्जिद तुमसे सवाल कर रही है, अगर तुम अल्लाह की इबादत करने का दावा करते हो तो दिलाओ मुझे इंसाफ और इन जालिमों के आगे मुझे फिर से तामीर करो। वो बाबरी मस्जिद तुमसे सवाल कर रही है, अगर तुम उम्मत के नबी होने का दावा करते हो तो दिलाओ इंसाफ उस माँ को, उस बच्चे को, उस बेटी को जिसको मेरी शहादत के वक्त कत्ल कर दिया गया। मेरे भाई मैं पूछना चाहता हूं, मेरे दिल में एक सवाल है, एक मैंने कभी ऐसा सोचता नहीं ना ही कभी ऐसा करूंगा, लेकिन एक सवाल है इन हुक्मरानों से, गलती से खुदा ना खास्ता, खुदा ना खास्ता अगर मेरे हाथों से किसी मंदिर की ईंट की हाथों में हथकड़ियां डाल देंगे मेरे भाई, मेरे पैरों में बेड़ियां डाल देंगे और मुझे सजा दी जाएगी, तो इनसे सवाल करो जब हमारे साथ ये हो सकता है तो बाबरी मस्जिद को शहीद करने वालों को तुमने सजा क्यों ना दी? बाबरी मस्जिद की शहादत के बाद अगर तुम अडवाणी के हाथों में हथकड़ी डाल देते, उमा भारती के हाथों में हथकड़ी डाल देते, अडवाणी के हाथों में हथकड़ी डाल देते, कटिहार के हाथों में हथकड़ी डाल देते, मेरे भाई पाल ठाकरे के हाथों में हथकड़ी डाल देते, तो खुदा की कसम आज ये लोग हिंदुस्तान में हुक्मरानी ना कर रहे होते मेरे भाई, आज ये हिंदुस्तान के हुक्मरान बने हुए।